वन दिस इज शैली मल्होत्रा, वेलकम टू माय चैनल शैली मल्होत्रास किचन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी डिश लेके आई हूँ, रेसिपी लेके आई हूँ, दैट इज़ चीज़ी पराठास और चीज़ी पिज़्ज़ा पराठास। कभी भी घर में दिल ना कर रहा हो रात को डिनर बनाने का या ब्रेकफास्ट या लंच बनाने का कि सब्ज़ी क्या बनाएं, तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये किड्स के बहुत ही फेवरेट पराठास हैं क्योंकि इसमें मैंने चीज़ डाला है। ये देखिए कितने चीज़ी हैं, देखकर ही मन कर रहा है कि इनको खाया जाए। तो चलते हैं, वे स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये कुछ वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट द चॉपिंग ऑफ द वेजिटेबल्स। तो ये मैंने दो शिमला मिर्च लिए हैं और इनके सीड्स हम नहीं डालेंगे। देखिए आप ध्यान से इस प्रोसेस को, आपने साइड्स इसकी कट कर लेनी है और सीड्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और टोमेटोज जो आपके आप पे है, आप डालना चाहते हो तो आप डालिए, अगर आप स्किप करना चाहते हो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टोमेटोज के साथ टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये हमारी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं, अब हम इसकी चॉपिंग करते हैं। प्याज मैंने बारीक बारीक काटे हैं और जो शिमला मिर्च है ये भी बारीक काटी है, लेकिन ये जो टोमेटो है इसके सीड्स रिमूव करेंगे। वी हैव टू रिमूव द सीड्स। देखिए कैसे आपने रिमूव करनी, इसकी साइड्स कट करनी है, बस साइड से इसके 4-5 पीसेस हो जाएंगे, इसके सीड्स अपने आप सेंटर में रह जाएंगे और सीडलेस टोमेटो जो है हमारा तैयार हो जाएगा। क्योंकि सीड्स डालेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ये सीड्स बिल्कुल नहीं है ना इसमें, बस आपने ऐसे रिमूव कर लेने हैं, अगर कोई रह भी जाए तो आप नाइफ से निकाल दीजिए। ये हमारी जो चॉपिंग है वेजिटेबल्स की हो चुकी है और इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। अब तो बनाने के लिए मैंने व्हीट फ्लावर यूज़ करा है, हेल्दी वर्जन बना रही हूँ। तो 2 कप मैंने आटा लिया है, आटे में हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, अगर आप डालना चाहो तो आप थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डाल सकते हो, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने आटा अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगाना है। बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, जैसे हम चपाती का लगाते हैं, पराठास का लगाते हैं। यहाँ पे आपका मेहनत करने का टाइम है, अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है आटे को लगाने के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, फ्रिज में ही रख दो, बहुत अच्छा हो जाता है आटा। और ये मैंने मिक्सिंग बोल लिया है और वेजिटेबल्स लिए हैं। तो ये वेजिटेबल्स आपने देखे हैं, प्याज और टमाटर और ये शिमला मिर्च है। तो चलते हैं फिर, ये है पनीर और वो है चीज़, प्रोसेस चीज़ है वो, तो ये दोनों ही हम डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये आप एक मिक्सिंग बोल में ये सारा प्याज और ये वेजिटेबल्स आप सारे डाल दीजिए। ये मैं डाल रही हूँ और फिर हम इस पर थोड़ा सा पनीर ऐड कर रहे हैं। और अब हम डालेंगे सबका फेवरेट और मेरा फेवरेट चीज़, ये पिज़्ज़ा चीज़ है। इसमें डाल रही हूँ मैं ब्लैक पेपर, काली मिर्ची 1/2 टीस्पून, वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग आपने डालना है सारा सामान। ये है ओरिगैनो, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और फिर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, वो भी मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। और ये अब हमने डाल दी, अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा फ्लेवर जो है मसालास का वो वेजिस में आ जाए। मिक्स हो चुके हैं अच्छे से, बस हम सॉल्ट अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो वेजीज है वो पानी छोड़ देंगे बिकॉज इसमें टमाटर है। तो पहले हम तैयारी करेंगे बनाने की, उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा फ्रेश धनिया, धनिया तो मेरा फेवरेट है, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं बनाती। और इसमें अब डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट का, बस सॉल्ट डालकर ये बस जब हम बिल्कुल बनाने लगे ना तभी हमने सॉल्ट ऐड करना है, पहले डालेंगे तो पानी छोड़ जाएगा, स्टफिंग जो है बाहर आ जाएगी, ऊज आउट हो जाएगी पराठा से। और ये मैं ले रही हूँ डो बॉल, 2 डो बॉल्स बनाई हैं आपने, इक्वल साइज़ की बनानी है डो बॉल्स, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये 2 डो बॉल्स बन चुकी हैं और अब हम इनको बेलेंगे, थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर एक नॉर्मल साइज़ की बना लेंगे डो बॉल। बताती हूँ, आप ध्यान से इस प्रोसेस को देखिए, बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं, टिफ़िन में भी आप पैक करके दे सकते हो, अपने टिफ़िन में लेके जा सकते हो। ये देखिए इतने थिकनेस होनी चाहिए रोटी की, या इसे थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हो, नो डाउट कईयों को थोड़ा मोटा पराठा अच्छा लगता है, वो आप पे है, जैसा आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। ये सेकेंड भी मैंने चपाती बेल ली है और इक्वल साइज़ की बेलनी है आपने। और फिर मैं 2 टी स्पून्स भर कर स्टफिंग रखूँगी इसमें। देखिए हमने एक बार स्टफिंग रखनी है और फिर अब इसको हमने अपनी हैंड से थोड़ी स्प्रेड कर देना है ताकि एक जगह स्टफिंग इकट्ठी ना हो, क्योंकि एक जगह अगर इकट्ठी होगी तो वो ऊज आउट हो जाएगी बाहर से। इसको साइड से प्रेस कर देना, ज्वाइन कर देना अच्छे से,
और ये कटोरी की हेल्प से जितना साइज़ आप रखना चाहते हो आप उतनी साइज़ की कटोरी रख ले लीजिए। और इसको मैंने ऊपर रखा और इसको थोड़ा सा हाथ से राउंड राउंड घुमाया हल्का हल्का, ताकि जो इसमें कट आ जाए अच्छा सा। ये देखिए कट आ गया, बस मुझे इतने इतने पराठे बनाने हैं, क्योंकि बच्चों को ये पराठा बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ तो इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने हाथ से जो स्टफिंग है उसको स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ भी जैसे तवे पे डालेंगे वो ऊज आउट हो जाएगा बाहर को। और फिर मैंने तवा गरम करा हुआ था, मीडियम हॉट आपका तवा होना चाहिए, उसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया। मैंने देसी घी यूज़ करा है बिकॉज बच्चों के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा हम डालते ही साइड्स में डालेंगे ताकि ये पराठा हमारे अच्छे से कुक हो जाए। बस ये मैंने इस सेकेंड पराठा भी मैंने डाल दिया। ये लीजिए, ये हो गए अब हमारे पराठा तैयार। अब इसको फ्लिप कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा देख लेना कि ये नीचे से पक गए हैं, तो इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे। फिर दोनों साइड्स हल्की हल्की ब्राउन हो गई हैं, जैसे ही हल्की हल्की ब्राउन होना तभी हम इस पर घी अप्लाई कर देंगे। मैंने घी एक साइड पे ही लगाया, अगर आप चाहो तो आप दोनों साइड्स पे लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ऑयली हो जाएगा, इट विल बिकम टू ऑयली। तो इतना ऑयली तो बच्चे नहीं खाते, तो मैंने एक साइड पे ही लगाया है। और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देके हम इसको सेकेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है नहीं तो पराठा फट जाएगा। बहुत ध्यान से आपने बनाने हैं। ये देखिए बस साइड से हमने प्रेशर लगाना है और ये ब्राउन हो जाएंगे। बस बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, बनाते हुए मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको खा लूँ, बट नहीं, पहले किड्स को टेस्ट करवाऊँगी ना, उनके लिए बन रहे हैं। बस ये रहा एक पराठा और ये सेकंड पराठा। बच्चे आज कह रहे थे कि मम्मा सब्ज़ी खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ डिफरेंट बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हो, ये बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पराठा बाइट्स ही बनाई जाए। ये हम इनको पिज़्ज़ा पराठा बाइट्स भी कह सकते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है ना स्टफिंग इसकी, ये जब हम हाथ से इसको तोड़ेंगे ना तो इसमें बहुत ही चीज़ आएगा। ये लीजिए हमारा प्लेटर रेडी हो गया, लेकिन देखने में इतना टेम्पटिंग नहीं लग रहा ना, तो इसको हम थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाते हैं। इस पर थोड़ी सी वेजेस हम स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे ये और भी टेम्पटिंग लगेगा और बच्चे खुश होकर इसको फिनिश कर देंगे। बच्चे क्या, बड़े भी खुश होकर फिनिश करेंगे। लिटरली भी बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही डिलीशियस बने थे। थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल दिया, धनिया से देखने में डिश बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। पहले तो डिश को हम आँखों से खाते हैं ना, तो अगर आँखों से देखने में ही अच्छी लगे तो फिर खाने के तो बस बातें ही छोड़ दीजिए। ये दीजिए तैयार हो गई है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब मामा लाए और हम इसको टेस्ट करें। आप मेरी वीडियोस देखते हो तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये डिश आपको कैसी लगी, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए कितना खुश हो गया खिदाश, इसको तो डिफरेंट चाहिए होता है रोज़ मम्मा कुछ डिफरेंट बनाए। सब्ज़ी रोटी इसको इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट इसको ये नहीं पता कि मम्मा रोटी ही खिला रही है और सब्ज़ी ही खिला रही है। यस पावनी को भी बहुत टेस्टी लगेंगे देखना। यम, एंजॉय।